दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं सैमसंग की एक और नई फोन के बारे में जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F63 जो कि इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होगा और इसका कुछ लीक और रूमर निकल के आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी F63 के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो बैक में आपको ग्लास का बैक देखने को मिल जाएगा जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ आता है, और इसके साथ आपको आगे में आपको कोलिन का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और इसके साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आता है, और बैक में आपको स्क्वायर शेप में क्वाडर कैमरा देखने को मिल जाएगा और नीचे में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग और इसके साथ LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी आपको। दोस्तों इसके बाद इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6.65 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये डिस्प्ले में आपको पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको एक्जिनोस के 9 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा जो कि आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, और इसमें आपको 983 की SCO देखने को मिल जाएगा जो कि माली G76 MP के साथ आता है, और इस फोन में आपको 12 GPU देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद इस फोन के रैम रेट के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 2 रैम रेट के साथ ये फोन आएगा, 6 GB और 8 GB के साथ, और इस फोन में आपको 3 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, 128 GB, 256 GB और 512 GB का स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद इस फोन की अगर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 64 MP का क्वाडर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ इस फोन में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 MP का माइक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ आएगा, और इसके साथ आपको 1 UI 3.0 का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से, और इसके साथ आपको 6000 mAh की बैटरी और 20 W का फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ इस फोन की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन का आपको 20,000 से 21,000 के बीच में इस फोन का प्राइस होगा, और इसके साथ इस फोन की लॉन्च डेट आपको अगस्त के महीने में 2021 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।